धर्म प्रेमी सज्जनों, सामान्यतः आजकल हमेशा से सुनने को मिलता रहता है कि अमुक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, अमुक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। प्रश्न यह है कि मनुष्य आत्महत्या क्यों करता है? जब तक मनुष्य स्वयं को अध्यात्म से नहीं जोड़ेगा, स्वयं के बारे में नहीं जानता है कि वह क्या है और उसके अंदर कितनी शक्ति छिपी है, तब तक वो निराशा के गर्त में जब डूब जाता है तो उसको लगता है कि आत्महत्या ही इसका समाधान है। वह भूल जाता है कि आत्महत्या एक ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित करने के लिए उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और जन्म भी कष्टों से भरा हुआ होगा। अध्यात्म यह कहता है कि तुम यह समझो कि तुम हो कौन। श्वेतासर उपनिषद में एक बहुत ही ऊंची बात कही गई है, श्रीमंत विश्व अमृतेश पुत्रा ये दिव्यान धामानी स्थु। हे अमृत पुत्र सुनो, अमृत पुत्र कौन है? जो हमारी चेतना है। अमृत कौन है? सर्वशक्तिमान परमात्मा। यदि वेद और उपनिषद यह कह रहे हैं कि हे मानव तू अमृत पुत्र है, तू अपनी शक्ति को पहचान, जो अपने स्वरूप को जान जाएगा वो आत्महत्या क्यों करेगा? प्रायः यही देखा जाता है कि किसी का धन नष्ट हो गया, कोई परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, कोई बदनाम हो गया, किसी का धन चला गया, तो निराशा इतनी अधिक उसे घेर लेती है कि सोचता है कि मैं सारी झंझटों से पार हो जाऊंगा यदि मैं आत्महत्या कर लूं। या तो शराब पीना शुरू कर देता है, या कोई गंदे गले में फांसी लगा लेता है, विष खा लेता है। समस्या का समाधान यह नहीं है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कितना ही व्यक्ति शक्तिशाली रहा हो अपने समय का, ज्ञान के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में और साधना के क्षेत्र में, असफलता ने सबको घेरा है। असफलता ही सफलता की जननी है। बिना असफल हुए कोई व्यक्ति यह मूल्यांकन नहीं कर पाता कि उसके अंदर कमियां क्या है, उन कमियों का समाधान क्या है। ये सारा संसार तो एक कार्य क्षेत्र है। जब तक हम सफलता की कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध नहीं करेंगे, सफलता अनायास ही हमारे कदम नहीं चूम सकती है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसलिए निष्काम कर्मयोग की बात कही, जो मानव जीवन को एक दिया गया एक अनमोल उपहार है। मनुष्य जब कार्य करता है तो उसके साथ फल की आशा जुड़ी रहती है। एक विद्यार्थी इस आशा से अध्ययन करता है कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा, मुझे बड़ा पद मिलेगा, मेरा जीवन सुखी रहेगा। लेकिन जब वो अनुत्तीर्ण हो जाता है तो क्या सोचता है? कि मैं हार गया, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये ऐसी नादानी है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। पहली बात तो यह है कि कानूनी तौर पर यह अपराध है। जो दंड दूसरे व्यक्ति की हत्या करने पर मिलता है, कानून भी आत्महत्या का प्रयास करने वाले को भी वही दंड देता है। और यह स्वाभाविक भी है। हमें यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए, इसको मारने का हमें नैतिक अधिकार नहीं है। जब हम स्वेच्छा मृत्यु का वर्णन नहीं कर सकते हैं, मृत्यु हमारे बस में नहीं है, तो हम जबरन इस पर मृत्यु को थोप रहे हैं। गीता में जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने बात कही है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय न एव पापम अवशेष समय शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान हो। शत्रु हो मित्र हो, मान हो अपानी हो, जय हो पराजय हो, हानि हो लाभ में, हानि हो या लाभ हो, समय में समत्व देखना, यही तो योगी का लक्षण होता है। हानि हो जाए कोई खुशी नहीं, कोई दुख नहीं, लाभ हो जाए कोई ज्यादा विशेष खुशी भी नहीं, पराजय मिल जाए तो शोक के सागर में डूबना नहीं, और विजयश्री मिल जाए तो उछलना नहीं। क्योंकि वो दृष्टा भाव से देख रहा होता है, वो जानता है कि हर व्यक्ति को सफलता और असफलता दोनों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम अपने युग के मर्यादा पुरुषोत्तम है, सारे विश्व के एक आदर्श है।
लेकिन देखा जाए तो रावण के साथ युद्ध में कई बार असफलता उनके पास भी आती है। नागास्त्र से विदना पड़ता है मेघनाथ के, लक्ष्मण को वीरघातनी शक्ति लगती है, रावण भी प्रचंड वेग से आक्रमण करता है, और देखा जाए तो राम दृष्टा होकर के जीवन के खेल को देख रहे हैं। शाम को कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम्हें कल का सिंहासन मिलना है, चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन तुम्हें मिलेगा, और सूरज के उगने से पहले उनको सूचना दे दी जाती है कि नहीं, आप अयोध्या के सिंहासन पर तो नहीं बैठेंगे, आपको 14 वर्ष के लिए सन्यासी के वेश में जाना पड़ेगा। राम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय ये जीवन के आवश्यक अंग है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आदर्श जीवन व्यतीत करके सारे संसार को यह शिक्षा दी है कि हमें जीवन में किन स्थितियों में समत्व भाव धारण करना चाहिए, और इसी को तो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्व में योगी उचित है। योगी कौन है? जिसने दृष्टा भाव से जीना सीख लिया है। निष्काम कर्मियों की यही परिभाषा है। हमारा कर्तव्य है करते जाना। इसलिए तो उपनिषद और वेद की एक स्वर से शिक्षा है, चरैवेति, चलते रहो, न हानि की चिंता करो, न लाभ की चिंता करो, न मान की चिंता करो, न अपमान की चिंता करो, न सुख और दुख, ये तो द्वंद है। सुख दुख मान अपमान लाभ हान जय पराजय इन सभी द्वंद्वों से जो परे हो जाता है वही तो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण को देखिए, जन्म भी होता है कारागार में, और आधी रात को उन्हें नंद के घर पहुंचाया जाता है। अभी महीना भी नहीं बीता कि तरह तरह के असुरों से संघर्ष करना पड़ता है, पूतना आती है, सट्टासुर आता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है 11 वर्ष 52 दिन के अंदर न जाने कितने के राक्षस आ जाते हैं, श्री कृष्ण अपनी अलौकिक शक्ति से सबका संहार करते हैं। पुनः जरासंध से युद्ध होता है, जरासंध 17 बार आक्रमण करता है, श्री कृष्ण के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। अंत में जब देखते हैं कि प्रजा को कष्ट होगा तो चुपके से द्वारिका चले जाते हैं। कभी हताशा ने श्री कृष्ण जी को नहीं घेरा, क्योंकि वो निष्काम कर्म का मूल मंत्र जानते हैं। हमारा कर्तव्य है करना। महाभारत का युद्ध होता है, सबके चेहरे पर शिकन है, लेकिन श्री कृष्ण तीर लगने पर भी मुस्कुराते हैं। ऐसा कौन व्यक्तित्व होगा जो तीर लगने पर मुस्कुराए? और प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का संहार हो जाता है। अपने सामने पूरे यदुवंश को मिटते हुए देखते हैं, श्री कृष्ण वसुदेव जी से आकर कहते हैं कि पिताश्री, यदुवंश का विनाश हो गया, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन की यही नियति है, जन्म है तो मरण है, सुख है तो दुख है, विजय है तो विनाश भी है, सौंदर्य है तो कुपिता भी है, हानि है तो लाभ भी है, ये चक्र चलता रहता है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। हमारे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? परम तत्व की प्राप्ति। आप देखिए, एक बल्ब का आविष्कार करने के लिए आइंस्टीन एडिसन को कितने आविष्कार करने पड़े। शेरपा तेन सिंह भी तो हिमालय पर चढ़ने के पहले प्रयास में असफल हो गया था। चाहे महाराजा रणजीत सिंह का जीवन चरित्र लीजिए, या किसी भी व्यक्ति का, वीर का, विद्वान का, योगी यति का, विश्वामित्र का उदाहरण लीजिए। विश्वामित्र तक प्रारंभ करते हैं ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त करने के लिए। बार बार तपस्या उनकी खंडित होती है, मेनका अप्सरा भी उनकी तपस्या को खंडित करती है, लेकिन विश्वामित्र विचलित नहीं होते, वो लगे रहते हैं और अंत में ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लेते हैं। पाणिनी को देखिए, पूर्णतया बुद्धिहीन व्यक्तित्व है, लेकिन दृढ़ संकल्प है कि मैं व्याकरण का महापंडित बनकर रहूंगा। समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त करते हैं और आत्मज्ञान के माध्यम से व्याकरण के उन 14 सूत्रों की रचना करते हैं, और ऐसा व्याकरण का ग्रंथ देते हैं जो आज तक संसार में नहीं था। कालिदास भी क्या था? महामूर्ख। लेकिन उस महामूर्ख के अंदर एक दृढ़ता है कि मैं विद्वान बन करके रहूंगा, और दृढ़ संकल्प के बल पर एक दिन विद्वान बन जाता है। ऐसा विद्वान जिसकी उपमा के लिए कोई तुलना नहीं, ऐसा लगता है कि शेक्सपियर उनके सामने तो कुछ भी नहीं है।
वही है जब हम अपनी अंतर की शक्ति को पहचान लेते हैं कि हम कौन हैं, हम अमृत पुत्र हैं, हम झोपड़ी में रहने वाले दीनहीन भिक्षुक नहीं हैं, हम प्रताड़ित व्यक्ति नहीं हैं। यदि हमें यह पता चल जाए कि हम सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म की हलादरी शक्ति हैं, उस आनंद के प्रेम के सागर की लहर है हमारे, उसमें कोई अंतर नहीं, फिर हम निराशा के भंवर से आसानी से निकल सकते हैं। हम बाह्य दृश्य से संसार की स्थितियों को देखते हैं, ऐसा लगता है जब हमारे संगे संबंधी साथ छोड़ जाते हैं तो हमारे मन में भावना आती है कि हम तो अनाथ हैं। जो हमारे हृदय का नाथ है, जो हमारे प्राणों का नाथ है, जो हमारे जीवन का नाथ है, जो हमारे आनंद का नाथ है, उस पर हमारा विश्वास ही नहीं होता। संगे संबंधियों से जब हम तुत्कारे जाते हैं सोचते हैं कि जहर खा लें। जब हमें कार्य में सफलता नहीं मिलती तो सोचते हैं कि पंखे से लटक जाए। जब हर कोई हमारा साथ छोड़ देता है तो हम सोचते हैं कि संसार में रहना क्या है। मान लीजिए आप आत्महत्या कर लेंगे तो क्या आप संसार से परे हो जाएंगे? नहीं, पुनः जन्म मरण का चक्र तो बना ही रहेगा। ये मानव तन मिला है केवल इसलिए कि आप स्वयं को जान लीजिए, उस परम तत्व को जान लीजिए, जन्म मरण के चक्र से छूट जाइए। किंतु यदि आप आत्महत्या करते हैं तो आत्महत्या करने से पहले जो आपके चित्त में असफलता की, दुख की, ईर्ष्या की, द्वेष की वासना बनी रहती है, वह वासना आपको निकृष्ट योनि में भी ले जा सकती है। यह मानव तन में भी जन्म मिलता है तो एक दुखदायी जीवन होगा जिसमें आप शांति की कामना करने पर भी सरलता से शांति नहीं पा सकते। गीता में एक बहुत ऊंची बात कही गई है कि जो व्यक्ति देह त्याग के समय जैसा चिंतन करता है वह उसी को प्राप्त होता है। यह बात उपनिषदों में अन्य ग्रंथों में भी विस्तार पूर्वक समझाई गई है। जब व्यक्ति आत्महत्या करता है, मान लीजिए पंखे से लटक रहा, गले में फांसी लगाकर, या विष पीकर, या ट्रेन की पटरी के नीचे लेटकर, उस समय जो पीड़ा होगी वो पीड़ा कितनी भयानक होगी इसका अनुमान सरलता से किया जा सकता है। मान लीजिए कि यदि चारों तरफ से असफलताओं ने घेर रखा है, आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी एक किरण तो है परमात्मा, एक आशा की किरण तो अंतिम वही है। मनुष्य को ऐसे समय में चाहिए कि उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दे। यदि शरीर छोड़ना ही है तो परमात्मा का ध्यान करते हुए क्यों न शरीर छोड़े? ऐसा करने पर दोनों हाथ में लाभ ही लाभ है। यदि परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो भी ब्रह्मानंद मिलेगा, साक्षात्कार नहीं होता है, शरीर छूट जाता है, तो भी परमात्मा की कृपा से अगला जन्म किसी योगी महात्मा के रूप में मिलेगा और अगले जन्म में अवश्य मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन विष खाना, पंखे से लटक कर मरना, गले में फांसी का फंदा लगाना, या ट्रेन की पटरी पर लेट जाना और ट्रेन से कटवा लेना, ये महापाप। आप जीवन के पथ पर चलते जाइए, कभी सफलता मिलेगी कभी असफलता। मान लीजिए आपका धर्म लूट लिया गया हो, आप कंगाल हो गए हो करोड़पति से, प्राय लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अब क्या होगा? अब क्या होगा का विचार छोड़िए, जहां से आप हैं वहीं से प्रारंभ कर दीजिए। लक्ष्मी किसके पास आती है? भारत के लोग लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन भर्तृहरि ने जो कहा है उसका आचरण नहीं करते। भर्तृहरि ने ऐश्वर्य की प्राप्ति, ऐश्वर्य का तात्पर्य लक्ष्मी की प्राप्ति। यदि कोई व्यक्ति पूर्णतया धनहीन हो गया हो, जो पहले ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करता था, तो उसको क्या करना चाहिए? भर्तृहरि कहती हैं उत्साह संपन्नम, उत्साह से संपन्न, अदीर्घ सूत्रम शीघ्र कार्य करने वाला, क्रियाविधिच्यम कार्य की विधि को जानने वाला, व्यसनेषु असक्तम व्यसनों से दूर रहने वाला, सूरम वीरता के गुणों से युक्त, कृतज्ञम दूसरे के उपकार को मानने वाला, और दृढ़ सौहृदयचा किसी से दृढ़ मित्रता रखने वाला ऐसा व्यक्ति हो
तो उसके पास लक्ष्मी स्वयं आती निवास होती है, तो निवास करने के लिए स्वयं आती है, भले ही लक्ष्मी चली गई हो किसी कारण से। भाग्य का निर्माता तो मनुष्य स्वयं होता है। भगवान बुद्ध ने एक बहुत ऊंची बात कही है, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तुम निराशा के भाव में क्यों डूब रहे हो कि मैं तो लुट गया, मेरा कुछ नहीं बचा, अब मैं तो आत्महत्या कर लूं। रे मानव, तू अपने को पहचान कि तू कौन है। सातुलेकर जी जो वेद के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक ऊंची बात कही है कि जब मनुष्य किसी महान लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है तो इस अनंत ब्रह्मांड के समस्त परमाणु अपनी शक्ति उसको दे देते हैं। महानता कहा जाता है कि भौपौती नहीं होती, दैवेन देयम इति कापुरुषः वदन्ति। भर्तृहरि ने कहा है कि भाग्य देता है। भर्तृहरि कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भाग्य से सब कुछ मिलता है वो तो कायरों का काम है। दैवम निहत्य कुरुपुरुषम आत्मसिद्धाय यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यत कोऽत्र दोषः। पुरुषार्थ करने पर भी हो सकता है कभी असफलता मिले, लेकिन यह निराश नहीं होना चाहिए कि सफलता नहीं मिलेगी। महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने पर हमें ऐसा लगेगा। आप देखिए, महर्षि दयानंद के जीवन को देखिए, एक तरफ वो लंगोटधारी ब्रह्मचारी योगी और दूसरी तरफ पूरा देश डरता नहीं, 14 बार विष दिया जाता है, मुस्कुराता रहता है, विष पीने पर भी मुस्कुराता है। मौत सिर पर है, सब लोग खड़े हैं कि आज स्वामी जी अपना तन छोड़ेंगे, और मृत्यु के समय भी मुस्कुराता है। वह कह रहा है, हे परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण। और उनकी मृत्यु के समय निर्भयता ने, मुस्कुराते हुए चेहरे ने गुरुदत्त जैसे नास्तिक को प्रबल आस्तिक बना दिया। वाराणसी में शास्त्रार्थ हो रहा था, एक तरफ काशी के सभी महिमा मंडित किए हुए पंडित जो अपने को विद्या का सागर मानते थे, और दूसरी तरफ एक लंगोट मात्र पहना हुआ ब्रह्मचारी। भीड़ है 14,000 की, एक एक कर विशुद्धानंद जैसे विद्वान आते हैं और कुछ ही क्षण में दयानंद सबको परास्त कर देते हैं। सारी भीड़ दयानंद के ऊपर जूते चप्पलों पत्थरों की वर्षा करने लगती है। कितना धैर्य है उस व्यक्ति में, पत्थर खा रहा है, गालियां खा रहा है, फिर भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हताशा तो अज्ञानी के अंदर होती है, योगी को निराश होने की क्या आवश्यकता। यदि हमें ये विश्वास हो कि हर पल परमात्मा हमारे हृदय मंदिर में रहता है, तभी तो उसको हृदयेश्वर कहते हैं, तभी तो उसको प्राणेश्वर कहते हैं। जगदीश्वर तो वो तभी कहलाएगा जब जगत में रहने वाले सभी प्राणियों की पुकार सुनता है। एक बार असफलता ने कदम क्या चुन लिया, आप निराश होकर के आत्महत्या करने बैठ गए। जो हमारा प्राणेश्वर है, जो हमारा हृदयेश्वर है, जो अखिलेश्वर है, जो जगदीश्वर है, उसकी सर्वशक्तिमानता पर विश्वास कीजिए, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास कीजिए और असफलता को सफलता में बदल दीजिए। कई बार के युद्धों में देखा जाता है कि युद्ध का पैसा अचानक ही पलट जाता है। जो व्यक्ति धैर्यहीन होता है वो युद्ध से भागने लगता है और बाजी हुई जीती हुई बाजी हार बैठता है। जो धैर्यशाली होते हैं, अंतिम समय तक युद्ध में टिकना जानते हैं, अंतिम समय तक आविष्कारों के लिए प्रयोग करते रहते हैं, अंतिम समय तक पुरुषार्थ करते रहते हैं, समाधि के मार्ग पर अनेक कठिनाई आती है, जन्म जन्मांतरों की विकार वासनाएं पीछा करती रहती है। युद्ध में अस्त्र शस्त्रों से तो लड़ा जा सकता है, वो बहुत सरल है, लेकिन काम क्रोध मद लोभ अहंकार के विकारों से जूझना कितना कठिन होता है। ये हमारे अंतर के विकार हर पल ध्यान साधना में व्यवधान डालते हैं। एक बार पैर फिसलेगा, 2 बार फिसलेगा, 3 बार फिसलेगा, फिर भी धैर्य मत खोइए, क्योंकि आप किसकी आराधना कर रहे हैं, जो करुणा का सागर है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। एक बार तो अवश्य आपको गले लगाएगा, एक बार अवश्य आपको समाधि अवस्था प्राप्त होगी, आप अवश्य साक्षात्कार करेंगे। यदि ये दृढ़ संकल्प है आपका तो सफलता अवश्य ही आपके कदम चूमेगी, इस बात का विश्वास रखिए। आप कुछ भी करते हैं पहले ही निराश हो जाते हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकता। यह ध्यान रखिए, आशावाद ही आस्तिकता है और निराशावाद ही नास्तिकता।
नास्तिक जो होता है वही निराश होता है। निराशा रूपी राक्षस को, निराशा रूपी राक्षसी को कभी भी अपने गले में मत पड़ने दीजिए। यह निराशा ही है जो बड़े से बड़े बलवान व्यक्ति को असहाय बना देती है, बड़े से बड़े विद्वान को मूर्ख बना देती है, बड़े से बड़े धनवान को भी ऐसा कर देती है कि वो किंग का कर्तव्य विमूढ़ बन जाता है। हमेशा ये सोचिए कि मैंने उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म का दामन पकड़ा है जो अनंत गुण वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत प्रेम और आनंद वाला है, फिर मुझे निराश होने की आवश्यकता क्या। और जो इस आध्यात्मिक विचारधारा से युक्त हो जाते हैं जीवन के किसी भी पथ पर कभी भी निराशा में नहीं डूब सकते। देखा जाता है कई खिलाड़ियों का नाम आता है जो विकलांग हो गए होते हैं, कई ऐसी महिलाओं को भी देखा जाता है जो विकलांग अवस्था में रहती हैं लेकिन वो आईएएस टॉप कर जाती हैं, वो खिलाड़ी भी राष्ट्रीय स्तर पर टॉप कर जाता है। क्यों? दृढ़ संकल्प के बलों बलबूते। संकल्पमयो पुरुषः, जब मनुष्य महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो सफलता की प्राप्ति अवश्य उसको होती है। और जो व्यक्ति पहले ही डर जाता है वो अधम श्रेणी का व्यक्ति होता है। नीतिकारों का कथन है कि संसार में तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो वो मनुष्य होते हैं जो असफलताओं के कारण कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते, वे अधम श्रेणी के मनुष्य होते हैं। मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं जो कार्य तो प्रारंभ करते हैं किंतु जब असफल होने लगते हैं तो छोड़ बैठते हैं, वो मध्यम होते हैं। और जो बार बार असफलता मिलने पर भी हार नहीं मानते और चरम लक्ष्य तक पहुंचे बिना पीठ नहीं मोड़ते, वे प्रथम श्रेणी के मनुष्य होते हैं और संसार इन्हीं का यशगान करता है। इस बात को याद रखिए, इतिहास विजेता का सम्मान करना जानता है। आप विद्वान हैं, धनवान हैं, गुणवान हैं, रूपवान हैं, प्रतिष्ठावान हैं, किंतु आप में धैर्य नहीं, आप में संकल्प शक्ति नहीं, आपको अपनी आत्मा के बल पर विश्वास नहीं, तो आप महान कार्य कभी नहीं कर पाएंगे। भारत के लोग कहीं न कहीं आलस्य प्रमाद में लग गए थे, तभी तो विदेशी आक्रांता गजनी से आए, ईरान से आए, घोड़ों पर बैठ कर आ रहे हैं। किस लिए? कि हमें भारत को जीतना है। उनका दृढ़ मनोबल उनके कार्य में सहायक बन गया। भारत भी तो वीरों का देश था लेकिन हमारी संकल्प शक्ति कमजोर थी। हम पहले से सोच बैठे कि इन विदेशी आक्रांताओं से हम कैसे जीतेंगे। किसी देश के लोगों को यदि यह बता दिया जाए कि तुम तो शासित होने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारे अंदर शासक का गुण ही नहीं, तो वह समाज तो पहले ही हार गया। किसी का मनोबल यदि गिरा दीजिए, पौराणिक युग में क्या हुआ, कह दिया गया कि शूद्र स्त्री को पढ़ने का ही अधिकार नहीं क्योंकि इनकी बुद्धि कम होती है। पूछा जाए याज्ञवल्क्य को किसने हराया, गार्गी ने, अपाला घोषा, लोपामुद्रा, ये वेद की रिसकाएं थी। इन्होंने अपना नाम मंत्र दृष्टा ऋषियों के स्तर पर लिखवा दिया। आप सोचिए वैदिक युग में कहा नारी विदुषी हुआ करती थी, पौराणिक युग में उसको कह दिया गया कि इसको पढ़ने का ही अधिकार नहीं, शूद्र को भी पढ़ने का अधिकार से वंचित कर दिया गया, तो पूरे समाज का मनोबल समाप्त कर दिया गया। मातंग ऋषि यदि चंडाल कुल से पैदा होकर ऋषि बन सकते हैं, ज्ञानश्रुत शूद्र हो सकते हैं, विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकते हैं, तो किसी वर्ग विशेष को कह देना कि तुम्हारे अंदर ये योग्यता ही नहीं, कहीं ना कहीं आत्मबल का अपमान करना है। संसार के किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को विद्वान बनाया जा सकता है, उच्च स्तर का अध्यात्मवादी बनाया जा सकता है, वीर बनाया जा सकता है, महान आविष्कारक बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसके अंदर आत्मबल भरना होगा। तुम सब कुछ कर सकते हो। असंभव शब्द किसके मस्तिष्क में होता है? कहा था एक बार नेपोलियन ने
कि असंभव शब्द मूर्खों के ही शब्दकोश में हुआ करता है। उसका अति आत्मविश्वास है। मनुष्य को भी यह सोचना चाहिए कि यदि मैं मानवता के कल्याण के लिए कोई कार्य करूं जिसमें मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं है, मेरे इस कार्य से सारी मानव जाति को, संसार के प्राणियों का भला होगा, तो साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसमें उच्च स्तर की शिक्षा भी ना मिली हो, सामान्य कुल में पैदा हुआ हो, रूप रंग भी कोई प्रभावशाली ना हो, फिर भी जिसका संकल्प महान है, दृढ़ता है, अटूट धैर्य है, मानवता के कल्याण के प्रति कोमल चिंतन है, एक दिन सफलता के शिखर पर अवश्य पहुंचता है। किंतु यदि कोई चक्रवर्ती सम्राट भी अपने आत्मबल पर विश्वास नहीं करता है, असफलताओं से निराश हो जाता है, तो कहीं ना कहीं असफलता के गर्त में स्वयं को डुबो रहा है। याद रखिए, यदि आपने असफलताओं से जूझना नहीं सीखा तो आप महानता की सीढ़ियों पर कभी नहीं चढ़ पाएंगे, चाहे जीवन का कोई क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, विद्या अध्ययन का क्षेत्र हो, युद्ध का क्षेत्र हो, या कोई भी औद्योगिक क्षेत्र क्यों न हो। हार पर ध्यान न दीजिए, केवल गीता के इस कथन को याद रखिए, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभ जय अजो, सुख दुख लाभ हान जय पराजय में हमेशा एक समान बने रहिए। और वेद के इस कथन को जिसने अपने अंदर बसा लिया, कुर्वन एव ये कर्माणि जीविशेष सहस्ति समान एवं त्वयि न नित्योऽस्ति न कर्म लिप्यते नर। कर्म में लिप्यमान मत होइए, लेकिन कर्म करते रहिए, और कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवी जीवन की इच्छा कीजिए। इसलिए नहीं कि संसार के सुखों का भोग करना है, इसलिए कि आने वाली मानव जाति को एक महान उद्देश्य के लिए प्रेरित करना है। यदि हमने मोक्ष तत्व को प्राप्त नहीं किया, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया, तो मर भी जाएंगे तो पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक शरीर है तब तक इस शरीर से निष्काम कर्मयोग कीजिए, बिना फल की इच्छा के, और कर्म करते हुए आपको असफलता मिल जाए। आप देखिए, कालीवन को मारना था तो श्री कृष्ण रण से भागे, किस लिए? क्योंकि उसी तरह से उसको मारा जा सकता था, उन्होंने अपने अपमान की चिंता नहीं की। मथुरा से द्वारिका जाते समय उन्होंने चिंता नहीं की कि संसार क्या कहेगा, उन्होंने यही सोचा कि इसी में संसार का भला है, तो मुझे मथुरा से द्वारिका जाने में कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं। महान पुरुष विनम्रता की मूर्ति होते हैं, त्याग की मूर्ति होते हैं, वे आत्मबल बल पर विश्वास करते हैं, और यही एक मूल मंत्र है कि हम अपनी आत्मा के स्वरूप को समझें, अपने आत्मबल पर विश्वास करें, या ध्यान रखें कि संसार का कोई भी संबंध, चाहे माता पिता का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, पिता पुत्र का हो, गुरु शिष्य का संबंध हो, सखा भाव का संबंध हो, या भाई भाई का संबंध हो, सभी अल्प शक्ति वाले हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमात्मा हर पल हमारे साथ है। यज्ञवल्क्य कहते हैं, यो आत्मन तिष्ठ तंत्रो यम आत्मा न वेद यस आत्मा शरीर। जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से परमात्मा है, जिसका बोध आत्मा को नहीं है, यही बात यदि हो जाए कि हर पल परमात्मा मेरे कार्य को देख रहा है, तो वो व्यक्ति आत्महत्या क्यों करेगा? वो तो सोचता है कि असफलता बार बार मेरे पास आ रही है, मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता, यही तो निराशा की भंवर है जो मनुष्य को मरने के लिए प्रेरित करती है। रे मानव, मरण धर्मा तो तेरा शरीर है, तू मरण धर्मा नहीं है, तू तो जब से सृष्टि बनी है तभी से है, इसके पहले भी तू था, और जब सृष्टि लय को प्राप्त हो जाएगी तब भी तू रहेगा, फिर निराश क्यों होता है? क्या धन तेरा खो गया? असफलता ने तुझे हताश कर दिया? संसार में तेरी प्रतिष्ठा को धक्का लग गया तो तू आत्महत्या करेगा? क्या मानव तन तुझे इसीलिए मिला है कि जहर खा कर मरो, या पटरी के नीचे लेट जाओ, या पंखे से लटक करके मरो? तुझे मंजिल चाहिए तो उसके लिए प्रयास कर, कभी भी निराशा को अपने अंदर मत आने दो। हमेशा ये सोचो कि मैं कौन हूं,
मैं उस सच्चिदानंद परमात्मा की लादनी शक्ति हूँ जिसके लिए वेद में कहा है सहस्त्र बाहु पुरुषा सहस्त्र अक्षा सहस्त्र पाद, जिसकी अनंत भुजाएं हैं, जिसके अनंत पैर हैं, जिसकी अनंत दृष्टि है, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की लादनी शक्ति हमारी आत्मा है। फिर संसार से घबराने की आवश्यकता क्या, डरने की आवश्यकता क्या, और निराश होकर आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए। लोग उपहास करते हैं आपकी असफलता से, कोई ध्यान न दीजिए। क्या महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी के शरीर में बाण नहीं लगते थे? आप देखेंगे संसार का ऐसा कोई वीर नहीं जिसको कभी चोट न लगी हो। घोड़े पर चढ़ने वाला ही तो गिरता है। जो विद्या के प्रयास के लिए परिश्रम करता है, कई बार संभव है उसको विद्या कंठकस्थ गत भी ना होती हो, किंतु इसी निराशा से वो हार जाए। यदि कालिदास भी हार मान लेते, पाणिनि भी हार मान लेते, तो आज इतिहास कुछ और होता। लेकिन नहीं, उन्होंने इतिहास को बदला। अपनी दृढ़ता से, अपने अटूट धैर्य से असंभव को संभव कर दिखाया। चाणक्य क्या है? एक ऐसा ब्राह्मणी तो है जिसका जीवन विद्या दान पर निर्भर करता है, भिक्षा में जो मिलता है वही खाता है। लेकिन एक चाणक्य ने अपने बौद्धिक बल से, अटूट संकल्प से सिकंदर को लौट जाने के लिए विवश किया और अपने दृढ़ संकल्प से चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। एक धनानंद से टकराना है जिसके पास बहुत बड़ी सेना है, अपार धन है, और दूसरी तरफ एक भिक्षुक चाणक्य और एक सामान्य परिवार में, दास परिवार में पैदा हुआ चंद्रगुप्त, उसको भारत का सम्राट बनाने का संकल्प करना और बना देना कैसे संभव है? चाणक्य ने कभी असफलताओं से हारना नहीं सीखा, और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो एक दिन सफलता को अवश्य प्राप्त होता है। एक तरफ बुद्ध है, दूसरी तरफ पूरा देश जो तांत्रिकों बामार्गियों के अधीन हो चुका है। यज्ञ के नाम पर पशुओं की बलि दी जा रही है, मनुष्य की भी बलि दी जा रही है। एक तरफ करतल भिक्षा तुरतल वास का सेवन करने वाले गौतम बुद्ध, और दूसरी तरफ सारा देश अकेले टकराते हैं और विजयी होकर के निकलते हैं। एक अकेले शंकराचार्य 16 वर्ष की अवस्था में निकलते हैं, सारे देश को नास्तिकता के चंगुल से मुक्त करने का संकल्प लेकर कर लेते हैं। यदि वो सोचते कि मैं अकेले हूं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाते। आप मानवता के कल्याण के लिए हमेशा उचित संकल्प लीजिए। संसार में आपका कोई साथ देता है नहीं देता है इसकी चिंता न कीजिए। यदि आप धर्म के पथ पर चलेंगे, सत्य के पथ पर चलेंगे, तो सर्वशक्तिमान परमात्मा हर पल आपके साथ है। इसलिए वेद के एक मंत्र में कहा गया है सत्येन उत्पत्ता भूमि, सारी पृथ्वी किस पर टिकी है? सत्य पर। आप सत्य के मार्ग पर आंख मूंद कर चलते रहिए। प्रबल पुरुषार्थ, अटूट धैर्य, प्रबल संकल्प, दृढ़ संकल्प के बल पर आप अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए। असफलताओं की तरफ देखिए ही नहीं, कभी भी अपने चेहरे पर निराशा के भाव न आने दीजिए। असफलता मिलती है तो भी मुस्कुराइए कि मैं इस असफलता को सफलता में बदल कर रहूंगा। और देखिए एक दिन ऐसा आएगा जब विजय की देवी वरमाला लेकर आपका स्वागत करने के लिए खड़ी होगी। संसार तब आपका यशोगान करेगा। आप इतिहास बनने के लिए नहीं है, इतिहास बनाने के लिए है, यह बात याद रखिए। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है तुम्हारी क्या योग्यता है कि तुम ऐसा कर लोगे, तो उसकी बातों को ध्यान में न दीजिए। संसार तो ऐसे ही करता है। क्या बुद्ध किसी से पूछते कि मैं संसार से हिंसा हटाना चाहता हूँ, तो कोई राय देकर कहता कि नहीं आप कीजिए? क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूछा किसी से कि मैं पाखंड को हटाना चाहता हूँ, तो कोई उस समय उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। धैर्यशाली पुरुषों के पीछे पीछे इतिहास चला करता है। संसार उनका यशोगान जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक करता रहेगा, क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्प से, प्रबल पुरुषार्थ से असफलताओं को पीछे छोड़ दिया होता है। वे कभी आत्महत्या नहीं करते। आत्महत्या वो करते हैं जिनको परमात्मा पर विश्वास नहीं होता, अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं होता, जो कहीं ना कहीं नास्तिकता के भाव में फंस चुके होते हैं, जो सोचते हैं कि असफलता को कभी सफलता में बदला ही नहीं जा सकता। एक कारण है कि निराशा
कि चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति सोचता है कि मैं जहर खा लूं। मैं देश के संसार के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचाने, अपने बाह्य जो भी कार्य कर रहे हैं अपनी असफलताओं को देख देख कर रोना मत शुरू कर दीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, चाहे असफलता हो या सफलता। आप देखिए सूरज उगता है तो कैसा होता है, लाल रंग का। जब डूबने लगता है तो भी लाल रंग का ही होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो रोता रहता है क्योंकि वो अज्ञानता में से पैदा हुआ होता है, किंतु जब यो योगी बन जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए सन्नत होता है, साक्षात्कार कर लेता है, मृत्यु आती है तो मुस्कुराने लगता है कि अब तो ये शरीर को छोड़ने का समय आ गया। वो रोता नहीं है क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति अब नहीं रहा। आप भी संसार में आए हैं, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अध्ययन के क्षेत्र में चल रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, खिलाड़ी हैं या अभिनेता हैं, जीवन के किसी क्षेत्र में असफलताएं अवश्य आएंगी, लेकिन आप अपने प्रबल पुरुषार्थ से, दृढ़ मनोबल से, अटूट धैर्य से इनको ठोकर मार दीजिए, असफलताओं को। एक न एक दिन आप विश्वास कीजिए, सफलता अवश्य आपके पीछे पीछे चलने लगेगी, क्योंकि आप कौन है ये आप पहचानते ही नहीं हैं। जिस दिन आप पहचान जाएंगे कि मैं परब्रह्म की हृदयेश्वरी हूँ, जैसे वो मेरी आत्मा का हृदयेश्वर है, प्राणेश्वर है, मैं भी उसकी हिलादनी सकती हूँ, फिर ये तो माया का स्वप्न जनित संसार क्या कर लेगा। इसकी छोटी छोटी असफलताओं से विक्षुब्ध क्यों होते हैं। आप उसके प्रेम में डूबिए, उसके आनंद में डूबिए और निष्काम भाव से कार्य प्रारंभ करते रहिए। देखिए एक दिन आपको सफलता से भला कौन रोकने वाला है? होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इन विचारों को आत्मसात करेंगे और दूसरों को भी प्रेरणा देंगे, चाहे बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों। कभी आत्महत्या जैसा महापाप न करें, वे आत्मचिंतन करें, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यर्थ को अत्र दोषः, कि मेरे पुरुषार्थ में कहाँ कमी रह गई, जो कमी है उसको दूर करें। कभी भी निराश न हो, न किसी को निराश होने दें।